उस दिन यही था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो ये भी था और मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ भी था कि भी मिनिस्ट्री को ये तोड़ो। तो उसमें ये हमें, मेरा मतलब जब हम भी इसमें शामिल हो गए तो फिर आगे गए, फिर हमें हमारी जो लीडर्स थी, बेगम शाहनवाज थी, बेगम तसद्दक हुसैन थी, तो इसी तरह से जस्टिस कियानी की नासरा कियानी थी, मतलब चार पांच जो बड़ी थी, उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपने आगे मतलब अपने आप को अरेस्ट के लिए पेश करना है तो फिर एक बात का ख्याल रखें कि लाठीचार्ज भी हो सकती है, टीयर गैस भी फेंक सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने टीयर गैस ही फेंकी, वैसे टीयर गैस से सारे इधर उधर भाग गए, आँखों में बुरी तरह से हुआ, लेकिन हमने यही कहा था कि भाई हमने कहा वहीं आंखें बंद करके जो करना करो, तो हमने अभी इधर उधर नहीं जाना, वादा किया हुआ था। तो बस फिर उसके बाद पुलिस आई और उन्होंने एक ट्रक में अरेस्ट करके हमें बिठा लिया, तो बिठा के ये सेंट्रल जेल जो है लाहौर की, इसमें ले गए। छोटे थे वैसे इतने, तो वहाँ पे मुझे याद है जब वो पुलिस वाले हमारा कुछ लिख रहे थे तो उसको हमने पूछा हमें कितने दिन रखोगे, वो कहता अब क्या पता 6 महीने भी रह सकते हो, कितनी दिन, थोड़े दिन भी रह सकते। तो एक कोठी थी जिसमें मतलब बिल्कुल ऐसे घर की तरह से, जो रात को बाहर ताला लगा देते थे और दिन को वो कोठी में ऐसे, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो दूसरी साइड पे थे, उधर हम नहीं जाते थे। सिर्फ ये है कि अंदर बंद थे तो खाना जो था वो जो रहती थी अंदर उनके घरों से आता था, तो हमारा तो कोई घर नहीं था, हॉस्टल में थे, तकरीबन हम सारी लड़कियां हॉस्टल की थी, तो हम टोटल 13 थे। तो वो फिर जो भी अपने घर से खाना मंगवाते थे मसलन, वो आपस में तय कर लेती थी ना, एक कहती थी कि भाई 13 मेरे घर से 13 से भी सिर्फ भेज दो, दूसरा कहता था 13 ये भेज दो, तीसरा 13 ये भेज दो, तो वो इस तरह से खाना आता था तो सब मिलके हम खा लेते थे। तो बाकी ये था कि अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं थी, मिलने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तो वो मुमताज़ शाहनवाज जो थी, अल्लाह भी नसीब करे, एयर क्रैश में फौत हो गई थी, बेगम शाहनवाज की बेटी, वो बहुत इंटेलिजेंट खातून थी वैसे, तो वो अक्सर कोई नलका शलका तोड़ देती थी अंदर से, तो फिर कहती थी कि भई हमें वो मिस्त्री बुला के दें। तो मिस्त्री जो आते थे वो मुसलमान ही होते थे, तो ये फिर अपना कुछ ना कुछ बाहर मैसेज देने के लिए रखा हुआ होता था, कभी उसकी टोपी में छुपा देती थी सर में, कभी कहीं, तो इस तरह से बाहर मैसेज भी भेज देती थी। एक दफ़ा उन्होंने जेल के ऊपर झंडा लहराया था, ताज़ियापा के अपने ही कोई कपड़ा था ग्रीन, उसका झंडा बनाया, फिर इसी तरह से चढ़ा के लड़कियों को ऊपर छत पे वो झंडा लहराया, तो वो फिर सारा पाकिस्तान के जितने वो मतलब लड़के बाहर लड़कियाँ सारे जेल के उधर जमा हो गए, बहुत लोग, इतने नारे और सारा।